शुरू से ही शुरू करेंगे सी शार्प। क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट लिया या फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हो, विजुअल सी शार्प। और यहाँ हमारा पहला स्टेप है कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने, कहा फर्स्ट प्रो, ठीक है। मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ कहाँ पर, डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडियो प्रोजेक्ट, यहाँ पर सेव करेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बिट बाय डिफॉल्ट हमारे यहीं पर सेव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कंसोल चूज़ करें, क्योंकि हमारे पहले जो फंडामेंटल होते हैं उसी में तो होते हैं कवर, ठीक है। कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिनका आउटपुट आपका C++ की तरह दिखाई देता है, कंसोल एप्लीकेशन। ओके पे क्लिक करते हैं, तो मेरे सामने ना सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो क्या है, इसमें हम मेन फंक्शन बनाकर सारे काम करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन भी, तो ये हमारे सामने खुल कर क्या है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली कंट्रोल ए दबा कर डिलीट कर दो सब कुछ, ठीक है। पहला काम क्या है, आपको बस एक यहाँ पर मिनिमम कंपल्शन है कि प्रोग्राम कोई भी नाम से क्लास बना दो, कुछ भी क्लास यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने कह दिया, लेट सपोज मैं अपने ही नाम से बना दूँ, क्लास बना दी। हमें पता है हम लोग मेन फंक्शन बनाया करते थे सी में, ठीक है। यहाँ पर मेन का एम जो है ना कैपिटल रखना है, और दूसरी चीज़ मेन के आगे स्टैटिक लगाना, बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। क्या, एक तो मेन के आगे स्टैटिक लगाना है, स्टैटिक वॉइड मेन हो जाएगा, और दूसरा मेन का एम कैपिटल रखना है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट करना है तो क्या करोगे, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट और राइट लाइन दो मेथड होते हैं मेरे पास। राइट का मतलब अगर मैं कुछ भी प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंपली वेलकम टू सी शार्प मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा तरीका है जिससे मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F5 टू रन, रन करने के लिए। पहली बार होगा तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है। कंट्रोल F5 होने के बाद यहाँ नीचे देख लेना कि ये काम कर रहा है, अगर ये काम कर रहा है दैट मीन्स आपकी सही दवाई है, वरना लैपटॉप के केस में कई बार कंट्रोल FN दबा के चलाना पड़ता है। वेलकम टू सी शार्प, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कई बार कुछ भी प्रिंट करना है तो मैं ये कमांड दे दूँगा, सेम लाइन में लिखी कंट्रोल F5, तो ये एक लाइन में आ रही है, दैट मीन्स लाइन चेंज नहीं है। लाइन चेंज करने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है सी वाला, मैं यहाँ पर आकर स्लैश इन लगा सकता हूँ। ये पहला है लाइन चेंज करने का तरीका, कंट्रोल F5। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, राइट लाइन का यूज, राइट लाइन का यूज, राइट लाइन का मतलब वही स्लैश इन वाला इफेक्ट ही आएगा यहाँ पर देखो, ठीक है। तो राइट लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन चेंज हो जाएगी, एंड में क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी जब प्रिंट कर दो। अब यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, बार बार सिस्टम 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 लिखना पड़ेगा, नहीं, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इस आगे लिखे हुए सिस्टम को आप लोग क्या है एक ही बार में ऊपर बता सकते हो, कैसे, यूजिंग सिस्टम। बेसिकली हम सिस्टम को यहाँ पर नेम स्पेस कहते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, सिस्टम यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल F5, अब भी मेरा कोड एकदम सेम चल रहा है, ठीक। दैट मीन्स ये हमारा मिनिमम कोड होगा जो हमें रन करना है यूजिंग सिस्टम, और जो भी प्रिंट करना है उसके लिए कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन। अगर लाइन चेंज करनी है तो इन दैट केस राइट लाइन, और अगर लाइन चेंज नहीं करनी तो राइट, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जैसे C++ में डेटा टाइप होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर वगैरह सारे, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, जिसमें दे दिया 10, एक ले लिया P जिसमें ले लिया 20, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इन दोनों का सम करने के लिए सम इज इक्वल टू A+B। अब मुझे इनका आउटपुट प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट राइट लाइन से, मैंने कहा सम इज इक्वल टू, अब यहाँ सम प्रिंट कराने का, जैसे मैंने कहा सम के आगे मैं सम की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, अभी मैं रन करूँगा तो ये एज इट इज सम इज इक्वल टू सम लिख देगा। क्यों, क्योंकि जो भी मैं डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखता हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है।
तो मुझे क्या करना है, यहाँ ये सम लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है जो भी सम हुआ होगा। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? पहला तरीका, हम लोग यहाँ पर कंकेटनेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जो एज इट इज़ टाइप करना है वो यहाँ लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, और प्लस करके वेरिएबल का। इस प्लस का मतलब क्या है? इस प्लस का मतलब कंकेटनेशन, दैट मीन्स इसके साथ लिखना। कंट्रोल F5 दबाता हूँ। क्या समझे कंकेटनेशन से? अब इस कंकेटनेशन का फंडा समझना है यहाँ पर। मतलब हमने कहा हमारे पास क्या होगा, प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर की सबसे बड़ी कहानी है कि नंबर्स के केस में, क्या समझे, इन केस ऑफ नंबर्स, नंबर्स मतलब इंट, फ्लोट, कैप, सॉरी इंट, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ये जो हमारे नंबर टाइप वैल्यूज होती हैं, इन केस ऑफ दीज ये हमेशा एडिशन परफॉर्म करेगा। कौन सा? प्लस ऑपरेटर। और अगर मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग मतलब जो टेक्स्ट होता है, अगर हमारे पास टेक्स्ट होता है इन केस क्या होगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड कनकेट में। कनकेट नेट का मतलब स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज़ करते हैं ना एक साथ लिखने के लिए। तो ये होगा अगर हमारे पास दोनों तरफ स्ट्रिंग हुआ। दूसरा, अगर स्ट्रिंग एंड नंबर दोनों हुए, हमारे एक तरफ स्ट्रिंग है एक तरफ नंबर है, या एक तरफ नंबर है दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, तो इन दोनों ही केसों में क्या होगा, कनकेटनेट ही परफॉर्म होगा। कनकेटनेट ही परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लस ऑपरेटर की कहानी। तो मैंने यहाँ पर अभी प्लस लगाया, तो दैट मीन्स ये एडिशन नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, कनकेटनेट साथ में लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के मैंने रन कर दिया। ये मेरा पहला तरीका था, क्या इसे हम कहते हैं फर्स्ट मेथड प्रिंट करने का। दूसरा एक और तरीका भी होता है, सेकंड मेथड। मुझे प्रिंट करना है क्या, कंसोल, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है सम। मैंने कहा सम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ना मेरे पास कर्ली ब्रेसेस होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। इसका मतलब क्या होता है, जब ये डबल कोट्स ये पूरी कंप्लीट होगी, मैं यहाँ ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। और मैं जैसे यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ ARG 0। ARG 0 लिख रहा है मतलब 0 की जगह पर क्या दिखना चाहते हो। तो मैंने कह दिया क्या लिखना चाहता हूँ, सम, एंड दैट्स इट। लेट्स से मैं इन सारे नंबर्स को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, ये जो मेरे सामने आ रहे थे ना अभी, ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आकर के मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू जो भी वैल्यू, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट। ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, बी की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, बी इज इक्वल टू जो बी की वैल्यू। लेट्स सी क्या आता है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सम इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ये क्या 0 ही यूज कर सकते हैं? अब अगली चीज़ के बारे में समझना, हम 0 ही नहीं यहाँ पर और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या करना हो, बी की भी वैल्यू प्रिंट करानी, क्या करना है, बी की भी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो फिर यहाँ मैं 1 लिखूँगा, 0 के बाद 1। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पर ए लिखा था ना, ऐसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 0 वाली लोकेशन का मतलब होता है कॉमा के बाद पहली वैल्यू। 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 किस लिए है, इसका मतलब होता है कि इस पूरी स्ट्रिंग के बाद जब पहला कॉमा लगेगा तो वो पहली वैल्यू होगी। और 1 का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद वाली वैल्यू। तो हमने इस तरह से दिया, अब देखो आउटपुट क्या आता है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे और तरीके से करके। कैसे, मान लीजिए मैं कुछ अलग तरीके का आउटपुट चाहता हूँ, तो मैंने कहा मुझे प्रिंट करना है इस तरीके से, कॉमा ए बी एंड सम। मतलब पहले वाली जगह पर क्या आएगा, पहले प्लेस होल्डर में ए की वैल्यू, दूसरे प्लेस होल्डर में बी की वैल्यू, तीसरे में किसकी, सम की वैल्यू। दैट्स इट, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही लेट सपोज मुझे प्रोडक्ट भी प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, मैंने कहा 1 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ए बी, और फिर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट सपोज एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर आके क्या लिखेंगे भाई, जो
इस दो नंबर में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट की वैल्यू। लेट्स यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्या कि यहाँ मैंने ये x लिखा है क्योंकि ये मुझे x की तरह प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट नहीं करना था। प्रिंटिंग आप जो करना चाहते हैं वो ये, बस ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी कि इसकी जगह बाहर वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में? ये हमारा क्या है, इनपुट ने इसका वेरिएबल्स का यूज और हमारा राइट लाइन का यूज, राइट लाइन कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप वैल्यू डाल सकते हो, लाइक करेक्टर एरे होती है हमारे पास सी सी प्लस प्लस में, और मैंने यहाँ पर डाल दिया लेट सपोज दलवीर सी। ठीक है, दलवीर रावत है ना तुम्हारा, दलवीर रावत ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू प्रिंट करनी है, कैसे करेंगे भाई? मैंने कहा वेलकम, वेलकम के आगे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया, इसका मतलब मैं कॉमा के बाद दूंगा कि इस ज़ीरो में क्या आएगा। मैंने कहा कोई डेटा टाइप जैसी कोई बात नहीं, सीधा वेलकम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारी सिंपल सी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग इनपुट लेकर के प्रिंट करते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डील करते हैं, ये है कि आउटपुट में हम कंसोल डॉट राइट लाइन में वेरिएबल्स को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, अब एक बार और देखेंगे रन टाइम पर कैसे वैल्यू देते हैं। ठीक है,